सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होते हैं। ऐसे में मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान का माना जाता है। इस दिन बजरंग बलि की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी संकट दूर होने की मान्यता है। मंगलवार के दिन भक्त बजरंग बलि को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करने के साथ व्रत भी रखते हैं। अब आपको बताते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विधान ही क्यों है। स्कंद पुराण और पौराणिक कथाओं के मुताबिक मंगलवार को बजरंग बलि का जन्म हुआ था, इसी के कारण ये दिन उन्हें समर्पित माना जाता है। हनुमान जी अपने भक्तों को संकट और कष्ट से मुक्ति दिलवाते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी को संकट मोचक भी कहा जाता है। मंगल ग्रह का भी सीधा संबंध हनुमान जी से ही है। यही कारण है कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार को होती है। इस दिन हनुमान चालीसा और सुंदर पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होने की विशेष मान्यता है। अब आपको बताते हैं कि आप मंगलवार व्रत को शुरू कैसे कर सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से ये व्रत आरंभ किया जा सकता है। अगर आप मन में कोई मनोकामना के साथ व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो श्रद्धा के मुताबिक 21 या 45 मंगलवार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। 21 या 45 मंगलवार के व्रत रखने के बाद विधि विधान से उद्यापन भी करना चाहिए। अब आपको मंगलवार के व्रत से जुड़े नियम बताते हैं। तो मंगलवार के व्रत में मन को शांत रखना जरूरी है। शांत मन से बजरंग बलि का ध्यान लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन व्रत रखो तो फिर नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी मीठी वस्तु का दान करने से कष्टों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। मंगलवार के दिन व्रति को दिन में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। मंगलवार व्रत में पवित्रता का ध्यान सबसे ज़्यादा रखा जाना चाहिए। तो जब आप मंगलवार के व्रत को शुरू करें तो इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।